आपने अभी कहा कि राम के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाएगा तो आप उसकी गर्दन दबोच लेंगे। जब मुस्लिम पक्ष के वकील वहाँ पे कोर्ट में जाके कहते हैं कि राम एक कल्पना है, तो उनकी गर्दन तो नहीं ढूंढी आपने, यहाँ आके आप चिल्ला रहे हैं। सवाल पूछा आपने, सवाल किसी को उठाने का, आप अपनी चाल में फंस गए। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहा था और अयोध्या को राम जन्मभूमि मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसी बात पर ऑडियंस ने उसे डिबेट में धो दिया और सवाल किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो बेचारा चुपचाप सुनता रहा सवालों को। तो अब आगे क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे डिबेट को। आपके वजूद पे कोई सवाल नहीं है, उसको नमन। तो फिर बोलिए राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं है, फिर बोलिए इस बात के अंदर जनता के सामने। आज 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 आप राम मंदिर का जनता के सामने बोलिए ना, जनता के सामने बोलिए कि राम मंदिर के वजूद पे कोई सवाल नहीं है, राम मंदिर वहाँ था है और रहेगा, बोलिए ना। गलत बात, क्या गलत बात? मैं भगवान राम के वजूद के सवाल कर रहा हूँ, राम मंदिर के वजूद की बात है। मैं भगवान राम के वजूद पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, किसी को उठाने का। आप अपनी चाल में फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्म के पब्लिक पब्लिक बंद कर दे, सवाल पूछिए कि तैयारी बंद कर दे, सवाल तैयार रखिए। बोलिए क्या सवाल है? तो युवाओं का बहुत जो है। सर आपने अभी कहा कि राम के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाएगा तो आप उसकी गर्दन दबोच लेंगे। जब मुस्लिम पक्ष के वकील वहाँ पे कोर्ट में जाके कहते हैं कि राम एक कल्पना है, तो उनकी गर्दन तो नहीं ढूंढी आपने, यहाँ आके आप चिल्ला रहे हैं भाई। सवाल पूछा आपने, कांग्रेस से मेरा प्रवक्ता से है सवाल ये। सर आपको क्या डर लगता है, 370 आर्टिकल 370 बीजेपी ने हटा दिया है, और ये क्या कहते हैं जो तीन तलाक है इसको हटा दिया है, राम मंदिर मुद्दा जो है ये भी बीजेपी गवर्नमेंट ये भी हटा देगी, इस पे राम मंदिर जो है राम मंदिर बन जाएगा, तो क्या आपको डर लगता है इससे कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो आपकी वोट बैंक राजनीति खत्म हो जाएगी? जवाब जवाब मेरे भाई, इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। पर अभी आप जो तो सुप्रीम पूछा, जो सुप्रीम बैठी 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 सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा, हिंदुओं को भी मानना पड़ेगा। अच्छा, सम्मान करना, स्वामी दिवंगत स्वामी दिवंगत अलग अलग बात है। स्वामी दिवंगत का मतलब होता है कि धमकी देना। अमीश भाई आप धमकी दे रहे हैं, आप ये जोक ऑफ द डे हो सकता जी। मुझे लगता है कि पूरी डिबेट में इतनी सहिष्णुता से सुन रहा हूँ, शायद इसके बाद भी अगर जो धमकी सुनाई दे तो मुझे लगता है कि जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने का प्रथम लक्षण है जी। अब मेरी बात सुनिए बड़े ही आदर के साथ। मैं एक शब्द किसी के विरुद्ध नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कौन पूछता है मेरे हिंदुस्तान में, मेरे भारत में, जिसे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब भी कहते थे कि यहाँ से इत्र की खुशबू आती है, अगर जो मैं गलत बोलूँ तो आप मुझे कोट कीजिएगा, गलत मुझे ठीक कीजिएगा, जिस देश से इत्र की खुशबू आती है उस देश में, उस देश के वजूद से कौन पूछता है कि राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में जन्मे? कौन कहता है गुड हिंदू बैड हिंदू, गुड हिंदू मंदिर नहीं चाहेगा? कौन कहता है हिंदुओं को वो विवादित जमीन छोड़ देनी चाहिए? कौन कहता भाई साहब, कौन कंपेयर करता है तीन तलाक जैसी कुप्रथा से, नरक से, भगवान राम के वजूद को? कौन करता है? मैं नहीं करता, मगर मैं फिर बड़ी इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। सर बोलने दीजिए ना सर, आस्था और राजनीति को मिक्स कर देते हैं। भाई साहब भाईचारा निभाइए ना, भाईचारा निभाइए सर, ऐसा मत। निभा रहा हूँ सर, भाई भी निभा रहा हूँ, चारा चारा भी। तुम चारा कर रहे हो उस्ताद, सुन लो, हम तो भाईचारा दोनों। तो जैसा कि आपने देखा, ये लोग राम जन्मभूमि पर फैसला आने से पहले मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वहाँ राम जी का जन्म हुआ था, बल्कि अपना यह अधूरा ज्ञान देता रहता था हर जगह, और उसी ज्ञान देने के चक्कर में यह फंसता भी था हर जगह। खैर आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।